तीज के पवित्र पर्व के उपलक्ष्य में पिंजौर स्थित यादविंद्रा गार्डन में एक विशेष कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हल्का कालका विधायक लतिका शर्मा ने की। इस पवित्र पर्व के मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने लाल व केसरी वस्त्र पहनकर सुंदर वेशभूषा में तैयार होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मेहंदी लगाते हुए झूला झूलकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए नाच गाकर तीज उत्सव को चार चांद लगाए। बदरा चाक झूले पड़ गए हाइक मेले लग गए मच गई धूम रे आया सावन ओ झूम के आया सावन झूम के कार्यक्रम में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की पत्नी एकता सिंह, कैबिनेट मंत्री कविता जैन, विधायक लतिका शर्मा की पुत्र वधु काशिका, पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की पत्नी विमला गुप्ता, ममता खन्ना, डॉक्टर संगीता शोरी, पूनम कक्कड़, पवन कुमारी, रितु सिंगला, अनीता गुप्ता, पिंकी सियाली, वंदना जिंदल, रूबी भगत सिंह, उमंग सराव, कल्पना शर्मा, बबली, एकता नागपाल, पूर्व पार्षद फतेह की पत्नी निर्मला शर्मा, अरविंद कौर, पूर्व पार्षद संगमित्रा, प्रदेशाध्यक्ष निर्मला बरागी सहित भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। कि सबको यहां तो सारे आंसर आते होंगे, कौन से पक्ष में मनाई जाती है कजरी तीज? पिंकी ने जवाब दिया गलत दिया। किसने कौन से पक्ष में मनाई जाती है कजरी तीज? नहीं, ये तो गलत बात है, इतने सारे गिफ्ट लेके मैं क्या करूंगी। कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में, और ये भद्रपद के तीसरे दिन तृतीय दिन जो है ये तीज मनाई जाती है। लतिका शर्मा ने इस मौके पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र को नशा मुक्त करने में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें। इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक बिल पारित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र की महिलाओं ने दिल से आभार व्यक्त किया। शादी में सभी आए थे ना, अभी जब रिसेप्शन हुआ था, ग्रैंड रिसेप्शन, थैंक यू। तो पहली तीज थी तो मैंने कहा चल भी हम तीज क्या कर रहे हैं, इधर ही आ जा। तो फिर शाम को ये फ्लाइट से आई, फिर जो रथ यात्रा है वो कालका से शुरू होने जा रही है। हाँ जी, कालका से। तो सभी बहनों को बता दें कि कौन सा समय रहेगा, 18 तारीख को, 18 अगस्त को, तो उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में सबने भाग लेना, ठीक है जी। रथ यात्रा 18 तारीख को उसमें। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता सुभाष शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा आदित्य शर्मा, कार्तिक शर्मा, जिला व्यापार प्रकोष्ठ सह संयोजक तरसेम गुप्ता, संदीप शर्मा, सचिन शर्मा, मुकेश मोदगिल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। काली तीज के अवसर पर हमारी बहुत ही प्यारी बहन कालका से विधायक बहन लतिका शर्मा ने और पूरी महिला मोर्चा की हरियाणा की टीम, हमारी बहन निर्मला बैरागी जी मेरे साथ खड़ी हुई हैं, हमारे पंजाब की महिला मोर्चा, चंडीगढ़ की महिला मोर्चा की बहन और पूरी टीम हमारे साथ खड़ी हुई है, और साथ में पंजाब की पूरी टीम यहाँ पर है। तो मैं सभी को इस हरियाली तीज के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत का ये पर्व हम सब महिलाओं के लिए,
हम सब बेटियों के लिए बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण अवसर है और जिसके अंदर सभी बहनें सभी बेटियां सोलह श्रृंगार करके आती हैं, खुशियों से सरोबार होती है और मैं सभी के खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। और खास तौर से हमारी प्यारी सी डॉटर इन लॉ और बेटी हमारी आशिक काशिका जिसका ये पहला अवसर है ससुराल में और तीज का अवसर है। और जब एक बेटी दुल्हन बनती है तो पहला जो तीज का अवसर होता है वो उसके लिए बहुत ही खास होता है, तो मैं उसे भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यही कामना करती हूँ भगवान से कि आप सभी के जीवन में इसी तरह से खुशियाँ बनी रहें। और लतिका जी को बहुत बहुत पुनः बधाई और उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्हें मुझे इन्होंने आमंत्रित किया और आप सबसे मिलने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत